आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बैठी योगी आदित्यनाथ की सरकार का एक ही फंडा है, कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाया ही जाना चाहिए, फिर वो कितना ही बड़ा तोप क्यों ना हो। यही वजह है कि आज मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े से बड़े माफिया जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो वही जो माफिया बच गए हैं उनके खिलाफ भी योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। तभी तो कुछ ही दिनों पहले यूपी की मुरादाबाद पुलिस ने खनन माफिया जफर को दबोचने के लिए राज्य की सीमा तक को लांघ दिया और उत्तराखंड में घुसकर जफर को दबोचने लगी। लेकिन खनन माफिया को पकड़ने गई यूपी पुलिस की मदद करने की बजाय उत्तराखंड पुलिस अब उसी में उलझ गई है और बात इतनी आगे बढ़ गई है कि यूपी के सीएम योगी की पुलिस और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पुलिस आमने सामने आ गई है। दरअसल 12 अक्टूबर को मुरादाबाद एसएचओ और एसओजी की टीम जब खनन सिंडिकेट संचालक जफर का पीछा करते हुए उधम सिंह नगर के कुंडा थाना क्षेत्र के गांव भरतपुर पहुंची तो मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें जसपुर के ज्येष्ठ उप प्रमुख गुरताज भुल्लर की पत्नी की मौत हो गई और मुरादाबाद के 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसी एनकाउंटर के बाद से ही उत्तराखंड पुलिस और यूपी पुलिस आमने सामने आ गई है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस बिना सूचना के यहां दबिश देने आई थी और फिर काशीपुर अस्पताल में भर्ती आरोपी पुलिस कर्मियों को भी जबरन ले गई, जबकि मुरादाबाद के एसएसपी हेमंत कुटियाल ने जवाब दिया कि दबिश देने से पहले 3 बार उधम सिंह नगर के पुलिस अधिकारी और कुंडा पुलिस को सूचना दी गई थी। इसकी मोबाइल सीडीआर रिपोर्ट भेजी गई है और काशीपुर अस्पताल में घायल पुलिस कर्मियों पर हमला होने की आशंका थी, वहां लगातार भीड़ बढ़ रही थी, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से उन्हें वहां से निकालकर मुरादाबाद में भर्ती कराना पड़ा। खनन माफिया जफर की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस सीमा लांघ कर उत्तराखंड क्या पहुंच गई, वहां की पुलिस ने तो जैसे बवाल खड़ा कर दिया और इसी तरह से आरोप पर आरोप लगाने लगी। हद तो तब हो गई जब उत्तराखंड सरकार में अपर मुख्य सचिव गृह यानी एसीएस होम जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही राधा रतूड़ी ने भी सोमवार को यूपी पुलिस पर आरोप लगाते हुए बयान दे दिया कि अपराध की सही तरीके से विवेचना कर इसका खुलासा होना चाहिए, किसी निर्दोष को नहीं पकड़ना चाहिए। कई बार उत्तर प्रदेश पुलिस किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ कर कहती है कि प्रकरण का पर्दाफाश हो गया, अगर आप एक निर्दोष को सजा देंगे तो 99 और अपराधी पैदा होंगे। जो क्राइम है वो सॉल्व होनी चाहिए और सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए और किसी निर्दोष को पकड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया, ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे, तो अपराध का सही सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड की एसीएस होम ने यूपी सरकार पर निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर किसी घटना के खुलासे का गंभीर आरोप लगाया तो इधर यूपी से भी जबरदस्त पलटवार आना ही था, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं था। यही वजह है कि उत्तराखंड की एसीएस होम राधा रतूड़ी को यूपी के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था यानी ADGLO प्रशांत कुमार जैसे बड़े पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया। उन्होंने मुख्तार अंसारी और विजय मिश्र जैसे माफियाओं का नाम लेते हुए कहा, उत्तराखंड के एसीएस होम का बयान देखा और सुना, एसीएस होम ने बगैर तथ्यों के जानकारी के एक गैर जिम्मेदाराना बयान जारी किया है। किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, जब सबसे संवेदनशील राज्य से जुड़ा मुद्दा है, ये बयान खेदजनक और तथ्यों पर आधारित नहीं है। क्या एसीएस होम को मुख्तार अंसारी और विजय मिश्रा, जिनको न्यायालय ने सजा दी है, निर्दोष लगते हैं? ये बयान खेदजनक है और तथ्यों के पे आधारित नहीं है। क्या एसीएस होम को मुख्तार अंसारी एवं विजय मिश्रा, जिनके माननीय न्यायालयों ने सजा दी है, निर्दोष लगते हैं? क्या जफर, जो कि एक खनन माफिया है तथा पूर्व से ही जिस पे 1,00,000 का इनाम था तथा वो वांछित चल रहा था, या उधम सिंह नगर का रहने वाला ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख निर्दोष लगते हैं? पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरे देश में अपराध और अपराधियों के प्रति कार्रवाई करके एक नजीर प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने PFI, जो
जो एक प्रतिबंधित संस्था है, इसके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की है। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जफर जो कि एक खनन माफिया है जिस पर 1,00,000 का इनाम है, जो वांछित चल रहा था, या उधम सिंह नगर का रहने वाला ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख निर्दोष लगते हैं। यूपी पुलिस ने पूरे देश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके एक नजीर पेश की है। यूपी पुलिस ने पीएफआई पर कड़ी कार्रवाई की है। यूपी पुलिस उत्तराखंड सरकार से ये मांग करती है कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान रोका जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तराखंड सरकार से ये मांग करती है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान तथा तथ्यहीन बयानों पर तत्काल रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अथक प्रयासों के बाद महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, उनके अपराधियों के प्रति, सभी तरह के माफियाओं के विरुद्ध तथा शातिर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए इनके कन्विक्शन में देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे अपराधियों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई करती रहेगी तथा इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान की कड़ी निंदा करती। उत्तराखंड की एसीएस होम राधा रतूड़ी के बयान पर यूपी पुलिस ने सख्त एतराज जताया और ऐसे बयान पर रोक लगाए जाने की मांग की तो विवाद बढ़ता दे। आनंद फानन में खुद राधा रतूड़ी ने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि जो भी क्राइम होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होनी चाहिए, जो वास्तव में दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही है, यूपी पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी। मेरा आशय सिर्फ इतना था कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति किसी भी केस में न फंस जाए, जो वास्तव में दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय जिसपे बात हो रही थी वो ये है कि जो भी कोई क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही हैं, यूपी पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी, और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें मिल के दोनों पुलिस काम कर रही हैं और उसको सॉल्व भी कर रही हैं और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। तो आशय सिर्फ इतना ही था कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी केस में ना फंस जाए और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध ही पुलिस कार्रवाई करे। उत्तराखंड और यूपी दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद दोनों राज्यों की पुलिस आपस में ही लड़ रही है। यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के बीच इस लड़ाई की वजह 12 अक्टूबर की रात को हुई वारदात है, जब यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से सटे उत्तराखंड के भरतपुर गांव में भाजपा नेता गुरताज भुल्लर के फार्म हाउस पर एक मुठभेड़ हुई थी। यूपी के मुरादाबाद की पुलिस खनन माफिया जफर का पीछा करते हुए उत्तराखंड में भुल्लर के फार्म हाउस में जा घुसी थी, जहां हुई फायरिंग में जसपुर के ब्लॉक उप प्रमुख गुरताज भुल्लर की पत्नी गुरप्रीत की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद उत्तराखंड के कई शहरों में जस्टिस फॉर गुरप्रीत कौर कैंपेन शुरू हुआ। जसपुर और कुंडा समेत कई जगहों पर लोग रविवार रात सड़कों पर उतर आए और कैंडल मार्च निकालकर बीजेपी नेता गुरताज भुल्लर की पत्नी गुरप्रीत कौर के हथियारों को फांसी देने की मांग की। मामले की सीबीआई जांच की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। गुरप्रीत की हत्या का आरोप यूपी की मुरादाबाद पुलिस पर है, जिनके खिलाफ उत्तराखंड के कुंडा थाने में मर्डर की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बहरहाल खनन माफिया जफर को पकड़ने के लिए उत्तराखंड जाने के बाद से ही जिस तरह से यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के बीच तू-तू मैं-मैं हो रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ।